यानी बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष एक अलायंस करे बैठा है विदेशी ताकतों के साथ। अच्छा, अगर विदेशी ताकतों की बात होती, अगर विदेशी साजिश की बात होती, तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप आसपास की घटनाओं को देखेंगे तो सवाल यही उठेगा कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है। जैसे आप देखिए कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां भारत विरोधी ताकतें हावी हो गई। इसके कुछ ही दिन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जो मार्केट गिराने के लिए आई। आप यह भी देखिए कि पहले बांग्लादेश के बहाने जनता को उकसाने की कोशिश हुई, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिससे आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। अब सवाल यह कि क्या इस तरह की घटनाओं का कोई कनेक्शन है? क्या कोई टूलकिट फिर से एक्टिव हो गई है जो भारत को बर्बाद देखना चाहती है? क्योंकि अभी पड़ोस में देखिए कि कैसे बांग्लादेश बर्बाद हो गया। वहां पर अच्छी खासी सरकार का तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को अपने ही देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद पब्लिक सड़क पर नहीं आ रही। वो पब्लिक कैसे सड़क पर आएगी? जब तक कि अर्थव्यवस्था ना डूब जाए, जब तक कि सड़क पर आने के लिए लोग मजबूर हो जाएं कि भाई हमारे पास ना नौकरी है, ना खाने को है, ना कुछ है। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाया हुआ है, तो अर्थव्यवस्था नीचे कैसे आएगी? शेयर मार्केट गिरा दो, LIC को लेकर भ्रम फैला दो, SBI को लेकर कुछ कह दो, मार्केट सेंटिमेंट हिला दो। अच्छा, कई लोग बांग्लादेश के मामले में यह मानते हैं कि इसमें चीन पाकिस्तान का हाथ, कई लोग मानते हैं कि अमेरिका का हाथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को शेख हसीना सरकार पसंद नहीं थी इसलिए शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह फैलाकर तख्ता पलट करवा दिया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह अब तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश के बारे में यह चर्चा बहुत हो रही है कि वहां सेंट मार्टिन नाम के एक द्वीप पर अमेरिका की नजर थी और अमेरिका को यह द्वीप न देने की वजह से शेख हसीना की सरकार गिरा दी। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड, इसका कुल क्षेत्रफल 3 स्क्वायर किलोमीटर। दावा है कि अमेरिका इस द्वीप पर एयरबेस बनाना चाहता था ताकि वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व बना सके। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्र मार्ग के आसानी से पहुंचा जा सकता है। साल 1971 से ही इस द्वीप पर अमेरिका और चीन की नजर है। इस द्वीप की बंगाल की खाड़ी से निकटता और म्यांमार से मरीन टाइम बाउंड्री की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत अहमियत है। कुल मिलाकर कहानी यह बताई जा रही कि भारत और चीन के बीच अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपना सेटअप तैयार कर सके और दोनों देशों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सके, क्योंकि अमेरिका को दुनिया के बॉस बनने की यह आदत है। हालात वैसे रहे नहीं, दुनिया में अर्थव्यवस्था में बॉस बना हुआ है भारत। जियोपॉलिटिक्स के कई एक्सपर्ट तो यह तक दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई देश बनाने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे अगर कुछ लोग अमेरिका का हाथ होने की संभावना देख रहे हैं तो उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका का इतिहास रहा है दूसरे देशों में घुस जाने का, दखल देने का और उसे बर्बाद कर देने का। आप देखिए ना, 2003 में अमेरिका ने इराक में दखल दिया, सद्दाम हुसैन को हटाया, इराक को लगभग बर्बाद ही कर दिया। अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग लड़ी, तालिबान को भगाया, 2021 में तालिबान को सत्ता दी, वहां से निकल लिया। 2015 में सीरिया पर हमला किया, युद्ध से सीरिया भी लगभग बर्बाद हो गया। मार्च 2011 में अमेरिका समेत नेटो फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया, तानाशाह गद्दाफी को गद्दी से हटाया, अमेरिकी दखल से लीबिया बर्बाद हो गया। कोई देश ऐसा नहीं है जहां यह घुसता हो अमेरिका और उसको बर्बाद करके ना छोड़ता हो। अभी आप देखिए रूस यूक्रेन में, यूक्रेन को पंप कर करके किसने आगे बढ़ाया? यही जो नेटो देश है और उसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है कि तुम लड़ो लड़ो लड़ो, और उस यूक्रेन को नेटो में लेने को तैयार नहीं है ये लोग। इसलिए अमेरिका का दखल बांग्लादेश में नहीं है ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश में अमेरिकी दखल की चर्चा हो रही है, लेकिन आप यह भी याद रखिए कि कैसे यूपीए सरकार के दौर में भारत में भी अमेरिका का दखल रहा है। यह सब जो चल रहा है इसमें लोग विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं। विदेशी ताकतों का भारत में 2014 के पहले क्या प्रभाव रहता था यह आपको जानना चाहिए। यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे कांग्रेस के नेता नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा 1 Life is Not Enough में इसका खुलासा किया था। नटवर सिंह ने, कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के जमाने में बड़े मंत्री रहे, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि भारत में अमेरिका के 130 अधिकारी काम करते हैं जबकि अमेरिका में भारत के 25 अधिकारी। अमेरिका के ये अधिकारी भारत में क्या कर रहे हैं?
मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ये नटवर सिंह कह रहे हैं कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इनमें से 25% तो CIA के एजेंट हैं जो सारे मंत्रालयों में आते जाते हैं और हमारे संयुक्त सचिवों के साथ डिनर करते हैं। ये यूपीए सरकार का मंत्री लिख रहा है अपने किताब में। भाई नटवर सिंह ने लिखा है कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि अमेरिका का उन पर बहुत दबाव है कि नटवर सिंह को विदेश मंत्री न बनाए। नटवर सिंह ने यह भी लिखा कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि अमेरिका बहुत पावरफुल है और वो भारत समेत कुछ देशों को अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये किसी बीजेपी वाले की बात नहीं बता रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जिनका हाल में निधन हो गया नटवर सिंह, जो विदेश मंत्री तक रहे, उनकी किताब का बता रहा हूं कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई यूपीए के जमाने में अमेरिका का इतना दबाव था भारत की सरकार के ऊपर, वो अमेरिका आज की डेट में चुप बैठ जाएगा। उसको नरेंद्र मोदी पसंद आएंगे? वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया को डिक्टेट करते हैं कि भारत की, भारत फर्स्ट रखूंगा उसके बाद तुम्हारे हिसाब से बात करूंगा, वो नरेंद्र मोदी जो व्हाइट हाउस जाते हैं, हमने कवर किया ना बॉस, हमने देखा व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, अंदर जो बाइडेन पूछ रहा होगा कि यार किसको बुला लिए, यहां मोदी मोदी हो रहा मेरे घर में। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जो अमेरिका की रिसर्च फर्म, हिंडनबर्ग भी अमेरिका की रिसर्च फर्म है ये याद रखिएगा, इसलिए भारत को लेकर भी यही सवाल उठने लगे कि क्या विदेशी ताकतें कोई खेल कर रही, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो यहां इंडी गठबंधन के नेता भारत का हाल बांग्लादेश जैसा बताते रहे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो इंडी गठबंधन खर्चा पानी लेकर नरेंद्र मोदी और अडानी को घेरने लगा, सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग होने लगी, आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग हुई, आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी अडानी को बचा रहे इसलिए जेपीसी से जांच नहीं करवा रहे। आम आदमी पार्टी तो इस पॉलिटिक्स में सबसे आगे निकल गई, उसने सीधे सीधे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर विश्वास भी कर लिया और पीएम मोदी का इस्तीफा मांगने लगे। भाई लोग, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो यहां तक कहने लगे कि उन्हें तो इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिंडनबर्ग और अडानी का मामला उठाया था। एक बार सुनिए इनके गजब के लॉजिक। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया, खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो, उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया, 6 महीने में जेल में रहा। एक तो पहले ये लोग तय कर ले कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर गए थे इसलिए जेल में डाल दिया, या अडानी के मामले में इनको चुप कराने के लिए जेल में डाल दिया। एक बार मन तो बनाइए बॉस, कभी ये कभी वो, सिसोदिया ने स्कूल बनवा दिए इसलिए मोदी जी ने डर के जेल में डाल दिया। कायदे से पहले वजह तो तय कीजिए। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि MCD के अधिकारी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार ढंग से काम कर रही है नहीं, गरीब के घर में पानी कैसे पहुंचेगा, वहां नाले की सफाई हुई है या नहीं, दिल्ली में यमुना कब साफ होगी, ये सब इनको कुछ नहीं पता। लेकिन इनको ये पता है कि अडानी के मामले में कहां ऑफशोर कंपनी बनी और कैसे फायदा हुआ। इसलिए इनका लॉजिक तो छोड़ दीजिए, झाड़ दीजिए। आप ये भी देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कांग्रेस अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर। कांग्रेस ने कहा कि अगर जेपीसी की मांग नहीं मानी गई तो वो पूरे देश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करे। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले का संज्ञान लेने के लिए कह रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो इस मामले को कोर्ट में ले जाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले को राहुल गांधी और ईडी से भी जोड़ दिया, आरोप लगाया कि इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए ईडी को राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह देश का सबसे गंभीर मुद्दा है। अब आप कांग्रेस को देखिए, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने संसद में कुछ बोल दिया है जो बीजेपी के कुछ दो बड़े नेताओं को पसंद नहीं आया इसलिए ईडी उनके खिलाफ लगाई गई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग मामले में ईडी इनके पीछे लगाई गई है। मतलब जिसको जो मन आता है वो बोल देना बॉस। जेपीसी बने ना बने, आप पब्लिक को बनाना बंद कीजिए। कांग्रेस इस मुद्दे को पकड़े हुए है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में पैनिक फैला रही है। एक बार सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में आरोप लगे क्या है जिससे इतनी सनसनी फैली, और क्या इस हिंडनबर्ग पे विश्वास किया जा सकता है, उसके भी फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए बीजेपी। अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं?
आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन, ये है इनकी सोच। लेकिन हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का सच क्या, ये भी तो आपको समझने की जरूरत है। दरअसल इस बार हिंडनबर्ग ने सीधे सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि माधवी और उनके पति की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी, इसी वजह से सेबी अडानी ग्रुप पर एक्शन नहीं ले रहा। माधवी बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन करने वाला बताया। सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि जिस फंड का जिक्र किया गया उसे उन्होंने 2015 में लिया था, तब उनका सेबी से कोई संबंध भी नहीं था। माधवी बुच ने कहा कि भारत में अलग अलग मामलों में हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चीफ के चरित्र हनन का विकल्प चुना। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इंडी गठबंधन में इतना तूफान आया, उस हिंडनबर्ग की हालत यह है कि जून 27 को सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया। यह नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि सेबी की जांच में यह सामने आया कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में निवेशकों को गुमराह किया गया। सेबी ने जांच में हिंडनबर्ग को कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी पाया। हिंडनबर्ग ने सेबी को तो इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए सेबी के आरोपों को नॉनसेंस बता दिया। यानी खुद पर आरोप लगे तो हिंडनबर्ग अपनी सुविधा से उसे तुरंत बकवास कहकर खारिज कर देता है, लेकिन अपनी मर्जी से वो कहीं भी किसी को भी अपनी रिपोर्ट में लपेट सकता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत में ऐसे नेता बैठे हैं जो उसका काम आसान कर देंगे, जो उसकी किसी भी रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानकर पब्लिक के सामने पेश कर देंगे और आसमान सिर पर उठा लेंगे। यही वजह है कि बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि हिंडनबर्ग के बहाने मोदी विरोधी टूलकिट गैंग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। सुनिए एक बार, हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह, और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको बता रहा हूं। कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी इकोनॉमिस्ट बन गए जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट्स हैं वाकई में, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्या क्या कह रहे हैं देश की जनता को जानना चाहिए। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर KV सुब्रमण्यम का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से सेबी की चीफ माधवी जी को जानते हैं। माधवी की छवि बेदाग है और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ ही नहीं सकता। पूरा यकीन है कि माधवी हिंडनबर्ग का एजेंडा चकनाचूर कर दे। आर्थिक जानकार किशोर सुब्रमण्यम का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अनुमान और अटकलों पर आधारित है। इस रिपोर्ट का मकसद निवेशकों में पैनिक क्रिएट करना है। हिंडनबर्ग का मकसद शेयर बाजार में भारी गिरावट लाना और इकॉनमी को अस्थिर करना है। इसी तरह से टैक्स कंपास कंपनी के फाउंडर अजय रोटी का कहना है कि हिंडनबर्ग खुद जिस जांच का सामना कर रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाने की हिंडनबर्ग की एक और कोशिश है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके लिए हिंडनबर्ग ने खुद ही लीगल डिस्क्लेमर दिया हुआ है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में खुद क्या लिखा है वो आपको देखना चाहिए। भाई तुम इतने बड़े अपने आप को बता रहे हो कि खोजी पत्रकार हो, खोजी संस्था हो, और नीचे क्या लिख रहे हो? इतना बड़ा रिपोर्ट छापे और उसके नीचे छोटा सा में क्या लिखे, ये रिक्ता है रिपोर्ट में, सुनिए जिस पे लोगों की नजर नहीं गई। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के नीचे लिखता है कि ये रिपोर्ट हमारी राय और खोजी टिप्पणियां है। टिप्पणी है, बोलो ना बॉस की प्रूफ है। फिर लिखता है कि हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से इसकी जांच करे। फिर लिखता है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च का इस्तेमाल अपने रिस्क पर कीजिए।
क्यों भाई, बोलो दम पे कि हाँ हमने ढूंढ के निकाला, एकदम पक्का है, जो तुम्हारा मन करे करो। नहीं, कह रहा एट योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पर इसका इस्तेमाल कीजिए। लिखता है कि हमें जो भी जानकारी मिली है उसे वैसा ही प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसकी कोई वारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, और राहुल गांधी उसके उसको गारंटी मान के चल रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पेश तथ्यों की सटीकता, समय और पूर्णता की जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में हिंडनबर्ग ने शॉर्ट निवेश किया हुआ है, हिंडनबर्ग और कंपनियां इससे मुनाफा कमा सकती। रिपोर्ट की गारंटी तुम लोगे नहीं, यही है ना मतलब कि रिपोर्ट की जिम्मेदारी ढेले भर की नहीं, माल पीटेंगे पूरा और खुद को बताएंगे खोजी पत्रकारिता का मसीहा। इतने ही बड़े खोजी पत्रकार हो तो रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में पहले से निवेश करके क्यों बैठे हो, और उसके बाद रिपोर्ट काहे जारी कर रहे हो पहले से निवेश करके? मुनाफा कमाना उद्देश्य है या सच सामने लाना? और उससे भी बड़ी बात कि किसी भी बात की जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं हो, भारत के कोर्ट में केस लड़ने आने को तैयार नहीं हो। यह तो हाल इस हिंडनबर्ग का, और हमारे यहां का विपक्ष हिंडनबर्ग को राजा बेटा सोना बेटा बना के उसको जो है वो आगे किए जा रहा है। बस आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है क्या कि शेयर मार्केट गिरेगा, कितने लोग हैं जिनका घर बर्बाद हो जाएगा? बस मोदी उतार दो कुर्सी से, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मोदी उतार दो। और तो लड़ाओ ना, हराओ चुनाव में, मोदी उतार दो। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारत में हल्ला हंगामा मचा है, वो है कौन हिंडनबर्ग, काम क्या करती है? हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी है, जो किसी कंपनी या मार्केट के फाइनेंशियल फैक्ट्स का विश्लेषण करने का दावा करती है और शेयर की शॉर्ट सेलिंग करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि वो किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगा लेती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी की वेबसाइट में कहा गया कि उसकी नजर मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। हिंडनबर्ग मुनाफा कमाने के लिए किसी टारगेट कंपनी के भविष्य पर दांव भी लगाती है। हिंडनबर्ग के खिलाफ भारत में ईडी भी जांच कर रही है और उससे भारत के स्टॉक मार्केट के खिलाफ चल रही साजिश का पता चलता है। अगस्त 2023 में ईडी ने अपनी शुरुआती जांच में पाया था कि अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली 12 कंपनियां टैक्स हेवन देशों में, इनमें एफपीआई और एफआईआई भी शामिल है। इनमें से कुछ कंपनियों ने 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक 2 से 3 दिन पहले अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले ली। कुछ कंपनियों ने तो पहली बार शॉर्ट पोजीशन ली थी। इन 12 कंपनियों में से 3 भारत की हैं और 4 कंपनियां मॉरिशस की हैं, फ्रांस, हांगकांग, केमन आइलैंड, आयरलैंड और लंदन की एक एक कंपनी। इनमें से किसी भी कंपनी ने अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बताया। केमन आइलैंड की पेरेंट कंपनी को तो अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में दोषी तक पाया गया और इस पर $1.8 बिलियन का जुर्माना लगा। यानी यह कंपनी पहले से ही इस तरह के गोरख धंधे कर रही थी। इसी केमन आइलैंड की पेरेंट कंपनी ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन 20 जनवरी को ली और 23 जनवरी को कुछ और शेयर खरीदे। इसी तरह से मॉरिशस की एक कंपनी ने 10 जनवरी को पहली बार अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ली। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक पहले यह सारा खेल हुआ। ईडी ने अपनी जांच में बताया कि ये कंपनियां असल मालिक की है ही नहीं, बल्कि विदेश में बैठे बड़े खिलाड़ियों की ब्रोकर है। यह जानकारी ईडी ने एक्सपर्ट कमेटी और सेबी को भी दी। यानी जो लोग बहुत बड़े खोजी पत्रकार बन रहे हैं, खोजी संस्था बन रहे हैं, वो खुद किस हद तक गिरे हुए हैं आपको ये सब बातें पता चलती। और जैसे ही तुमसे सवाल पूछा गया, तुमने जो है वो सवाल उठा दिए सेबी पे बिना कोई जांच किए हुए या अपने सबूत दिए हुए। और ये वो हिंडनबर्ग है जिसमें अमेरिका में भी केस चल रहा है, ये भी आपको बता दूं। लेकिन भारत, भारत के लोग अब ऐसी चीजों को समझने लगे हैं।